30,000 ब्लॉक से बनेगा राम मंदिर का प्लिंथ, 16 फीट ऊंची होगी राम मंदिर की नींव की प्लिंथ। प्लिंथ के निर्माण में 30,000 ब्लॉक पत्थरों का होगा इस्तेमाल। 15 नवंबर तक पूरा हो जाएगा राफ्ट का निर्माण। जनवरी 2022 में मंदिर में पत्थर की सेटिंग का लक्ष्य किया गया तय। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के दूसरे चरण का काम इन दिनों जोरों पर चल रहा है। अभी 1.5 मीटर ऊंचे राफ्ट की ढलाई की जा रही है। राफ्ट का काम पूरा होने के बाद 16 फीट ऊंचे प्लिंथ का निर्माण शुरू होगा। राम मंदिर के प्लिंथ में मिर्जापुर के पत्थर 4 फुट लंबे और 2 फीट चौड़े 30,000 ब्लॉक लगेंगे। पत्थर की आपूर्ति का काम लगातार जारी है। राम जन्मभूमि परिसर में अब तक पत्थरों के 1,000 ब्लॉक आ चुके हैं। बेस निर्माण के लिए 4500 स्क्वायर फीट में कुल 10,000 से अधिक पत्थरों का इस्तेमाल किया जाएगा। इन पत्थरों की ढलाई भी रामलला परिसर में बनी कार्यशाला में ही की जा रही है। राम मंदिर का निर्माण के इस विशेष शो में आइए जानते हैं राम मंदिर निर्माण की प्रगति यात्रा के बारे में। 3 चरणों में होगा फाउंडेशन का निर्माण। भव्य राम मंदिर का फाउंडेशन 3 चरणों में तैयार किया जाना है। पहले चरण में नींव भराई का काम पूरा हो चुका है। दूसरे चरण में 1.5 मीटर ऊंची राफ्ट को ढालने का काम चल रहा है। तीसरे चरण में 16 फीट ऊंचे प्लिंथ का निर्माण कार्य होगा। इसी प्लिंथ पर ही राम मंदिर का गर्भगृह आकार लेगा। राफ्ट की ढलाई कुल 15 ब्लॉकों में बांटकर की जा रही है। 1 अक्टूबर से शुरू हुए राफ्ट निर्माण के अंतर्गत अब तक 7 ब्लॉक ढाले जा चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्र ने बताया कि एक ब्लॉक को ढालने में 24 घंटे का समय लग रहा है, फिर उसे सूखने में भी 1 दिन का समय लगता है। इस तरह एक ब्लॉक तैयार होने में 2 से 3 दिन का समय लग रहा है। नवंबर में शुरू हो जाएगा प्लिंथ का बनना। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अनुसार नवंबर माह से राम मंदिर के प्लिंथ का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। प्लिंथ निर्माण में करीब 4 महीने लग जाएंगे। 16 फीट ऊंचे प्लिंथ में मिर्जापुर और ग्रेनाइट के पत्थरों के 30,000 ब्लॉक यानी पीस लगेंगे। एक ब्लॉक का आकार 4×2 फीट होगा। फिलहाल अब तक करीब 1,000 ब्लॉक आ चुके हैं। एक ब्लॉक का वजन कम से कम 1 टन है। प्लिंथ पर ही राम मंदिर का गर्भगृह आकार लेगा। योजना है कि अप्रैल 2022 से राम मंदिर का गर्भगृह आकार लेना प्रारंभ हो जाए, ताकि दिसंबर माह के अंत तक गर्भगृह में रामलला के दर्शन होने शुरू हो जाएं। अब तक तैयार है 45,000 घनफुट पत्थर। राम मंदिर 3 मंजिला होगा। सबसे पहले गर्भगृह का निर्माण होगा। गर्भगृह के लिए अब तक 45,000 घनफुट पत्थर तैयार कर लिया गया है। अभी करीब 70,000 घनफुट पत्थरों की और जरूरत होगी। मंदिर में कुल 4,00,000 घनफुट पत्थरों का प्रयोग होगा। पत्थरों की तराशी के काम में तेजी लाने के लिए मशीनों का भी इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि मैनुअली इतनी जल्दी पत्थर तराशने का काम पूरा नहीं हो सकेगा। मंदिर निर्माण के दूसरे चरण में भी बड़ी बड़ी मशीनों का प्रयोग किया जा रहा है, ताकि मंदिर निर्माण का काम समयबद्ध तरीके से पूरा हो सके। 15 नवंबर तक नींव के ऊपर राफ्ट के निर्माण का कार्य पूरा हो जाएगा। मिर्जापुर के लाल बलुआ पत्थर से बनेगा प्लिंथ। विंध्यवासिनी धाम मिर्जापुर के लाल बलुआ पत्थरों से राम मंदिर की फर्श का प्लिंथ बनेगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय ने बताया कि मार्च 2022 में राम मंदिर के फर्श प्लिंथ का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। उसके ऊपर राजस्थान के बंसी पहाड़पुर के पिंक सैंड स्टोन पत्थरों से राम मंदिर निर्माण शुरू होगा। राम मंदिर की प्लिंथ एक मजबूत चट्टान पर होगी। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामलला के गर्भगृह का निर्माण
जोधपुर के ग्रेनाइट पत्थर से बने चबूतरे पर किया जाएगा। इसके लिए पत्थरों की आपूर्ति की जा रही है। जोधपुर और बेंगलुरु के ग्रेनाइट पत्थरों को अयोध्या लाया जा रहा है। कुल 45,000 स्क्वायर फुट में जोधपुर का ग्रेनाइट पत्थर लगाया जाएगा। 2022 में शुरू होगा राम मंदिर के पत्थरों की सेटिंग का काम। राम मंदिर की प्लिंथ के निर्माण के बाद जनवरी 2022 से राम मंदिर के पत्थरों की कटिंग और सेटिंग का काम शुरू हो जाएगा। मंदिर के गर्भगृह में करीब 60% पत्थरों की तराशी की जा चुकी है। शेष पत्थरों की तराशी का काम भी शुरू कर दिया गया है। ट्रस्ट ने दिसंबर 2023 तक भव्य गर्भगृह में भक्तों को रामलला का दर्शन हो ऐसी योजना बनाई है। एक अनुमान के अनुसार राम मंदिर बनते ही श्रद्धालुओं की संख्या 5 गुना तक बढ़ जाएगी। इसलिए श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा देने के लिए ट्रस्ट राम मंदिर निर्माण के समानांतर ही जन सुविधाएँ भी विकसित करने की योजना पर काम कर रहा है। शीघ्र ही बिड़ला धर्मशाला से सुग्रीव किला के पीछे से होते हुए राम जन्मभूमि तक करीब 100 फीट के नया मार्ग बनाने का काम भी शुरू हो जाएगा। मौसम के उतार चढ़ाव से बचने का इंतजाम। राम मंदिर की नींव का निर्माण का पहला चरण निर्धारित समय में पूरा कर लिया गया था। अब दूसरे चरण का काम सिर्फ रात में ही हो रहा है। इसके लिए पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था की गई है। मौसम के उतार चढ़ाव को देखते हुए प्लिंथ को ठंडा रखने के लिए बर्फ का इंतजाम किया गया है। प्लिंथ निर्माण के लिए भी समय सीमा तय है। हर कार्य में मंदिर की मजबूती का पक्ष का ख्याल रखा जा रहा है। मंदिर हजारों साल तक सुरक्षित रहे इसके लिए विशेषज्ञों और इंजीनियरों की टीम 24 घंटे निगरानी कर रही है। सामग्री से लेकर निर्माण तक हर कार्य को बारीकी से परखा जा रहा है। राम मंदिर का निर्माण के इस विशेष शो में आप हर हफ्ते देखते हैं राम मंदिर निर्माण की प्रगति रिपोर्ट। आपको यह शो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें।